जबलपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी घमापुर स्थित श्री भगवान ऑयल मिल में पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल जो ऑयल हम घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं वह कैसे बनता है देखकर अधिकारी हैरान हो गए। सरसों का तेल बनाने वाली इस मिल में बेहद गंदगी के बीच तेल बनाया जा रहा था। अधिकारियों से पूरी मिल का मुआयना किया अधिकारियों ने तो देखा कि यहाँ हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा और तेल बनाने में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वे भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे। इससे स्पष्ट हो गया कि ऑयल बनाने वाली इस मिल में लापरवाही की सभी हदें पार कर दी गई हैं। ये तेल बाजार में प्रताप ब्रांड के नाम से बिकता है और इसका उपयोग घरों में खाद्य सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बहरहाल खाद्य विभाग की टीम ने तेल के सैंपल जब्त करते हुए जितना भी सामान और निर्मित तेल था उसे सील कर दिया है। इसके साथ ही मिल संचालक को नोटिस जारी कर तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यहां प्रताप ब्रांड के अलावा दूसरे ब्रांड की पैकिंग में भी तेल पैक करके बेचा जा रहा था जो शासन के नियमों का उल्लंघन है। बहरहाल यह कार्रवाई लगातार जारी है और शहर की कई और भी फैक्ट्री और मिल में इसी तरह का अभियान जारी किया जाएगा। यहाँ पे हम आज निगरानी समिति के सभी सदस्य बाई का बगीचा स्थित श्री भगवान ऑयल मिल उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे अलसी और सरसों का तेल निकाल के उनको पैक किया जा रहा था जो कि हमें निरीक्षण करने पर पाया गया है कि बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं पाई गई यहाँ पे, और जो भी खाद्य पदार्थ रखे हुए थे अस्वच्छ परिस्थितियों में पाए गए हैं। और इनके अलावा इनके द्वारा जो तेल पैक किया जा रहा है वो दूसरे ब्रांड के भी कुछ जैसे सरस, दो फूल, फॉर्चून वगैरह के कुछ टीन पाए गए जिसमें इनका ब्रांड पैक किया गया है, ऐसा बता रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इसके हम इसमें कार्रवाई की जा रही है और तेल का नमूना लिया जा रहा है जिसको खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे गंदगी पाई गई उसके आधार पर हम कुछ तेल के टीन जब्त कर रहे हैं और इस तरह से पूरी कार्रवाई हम अपनी। लगभग कितना तेल जब्त कर रहे हैं? लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 200 लीटर इनके पास रखा हुआ है, उसको हम प्रथम दृष्टया जो है वो ठीक नहीं पाए जाने पर उनको जब्त कर रहे हैं। माधुरी मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।